नमस्कार दोस्तों, कुमार ऑटो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये होम थिएटर डेट है और इसमें हम पावर प्रॉब्लम पार्म सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये पिन आप देख रहे हो, ये टूटी हुई है इसके अंदर, तो सबसे पहले हमें इसे निकालने का कुछ जुगाड़ करेंगे। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले एक ये पिन ले लेनी है। इस पिन को हम मोमबत्ती के सहारे गर्म करेंगे और इसमें गर्म करके जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये मैंने पिन निकाल ली है और सॉकेट भी सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत नहीं आई, आराम से निकाल ली है मैंने। अब आ जाते हैं हम हॉट वाटर की सर्किट के ऊपर। तो क्या इसमें लीड ख़राब थी, तो उसको हम कैसे प्लेस करेंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम सर्किट को अलग कर देंगे ताकि ये हमें कनेक्शन प्रॉपर तरीके से दिखते रहें और काम करने में आसानी हो। जैसे आप देख पा रहे हो, ये दो वायर ट्रांसफार्मर के हैं और ये जो सॉकेट लगा हुआ है लीड वाला, जिसमें लीड फंसी होती है, वो वाली लीड यहाँ से लगाएंगे हम। ये नई लीड मैं लेके आया हूँ, तो इस लीड को हम इस सॉकेट से लगाएंगे। देख पा रहे हो, जैसे कि ये लीड है, यहाँ से नई लीड लगेगी, पुरानी यहाँ लगी हुई है, इसे निकाल के हम निकाल देंगे। और ये ट्रांसफार्मर वाले वायर हैं, तो इसमें मैंने वायर पहले से काट रखे हैं ना, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और वीडियो पूरा देखें। ख़ास वीडियो नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ होती है ना दोस्तों, तो इस तरीके से समझ में आती हैं। तो दोस्तों, जैसे देख पा रहे हो, ये पुरानी लीड इसमें फंसी हुई थी, तो ये सॉकेट मैंने निकल लिया है। अब मैं इसमें आपको नया लीड को लगा के इसमें आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने नई लीड को लगा लिया है, अब मैं इसके अंदर इसे फिट करूंगा। देख सकते हो, ये इसके अंदर मैं लगा दे रहा हूँ दोस्तों। लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा, तो फिट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमारा फिट हो चुका है। अब इसकी हम वायरिंग को कनेक्शन से जोड़ देंगे। और जैसे ये ट्रांसफार्मर की वायर आप देख ही रहे हो, इस वायर ट्रांसफार्मर की वायर को हम मेन लीड के कनेक्शन वायर से जोड़ेंगे और दूसरी वायर को हम ऑन ऑफ स्विच से जोड़कर चलेंगे। तो ये हमारी सर्किट पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको फाइनली दिखा देता हूँ, जहाँ जैसी जो भी चीज़ लगी थी वहाँ हमने सही से लगा दी है और ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये लीड मैंने पूरी तरीके से अच्छे से जोड़ लिया है। चेक कर खींच के भी देख लेता हूँ मैं, सही से लगी है। तो अब इसे हम बंद करके चेक करा देते हैं दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से ऑन हो गया है, पहले ऑन नहीं हो रहा था दोस्तों, अब ये ऑन हो चुका है। अब हम इसकी साउंड टेस्टिंग पर